आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। कानपुर से खबर आ रही है, आपको बता दें बिल्किस बानो मामले के दोषियों को रिहा कर दिए जाने को लेकर अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय कानपुर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई जो निम्नवत है। विदित होगा कि गुजरात सरकार ने 2002 में हुए बिल्किस बानो मामला, जिसमें दंगाइयों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार, उनके अजन्मे बच्चे की हत्या, 14 अन्य लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को अपनी रिहाई नीति के तहत छोड़ दिया है। इस मामले में एक दोषी राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई की अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया था, जिसके बाद 11 दोषी रिहा हुए हैं। राज्य सरकार का निर्णय 5 बिंदुओं के आधार पर मनमाना और असंगत है। राज्य सरकार का यह तर्क है कि अपराध की प्रकृति के आधार पर इन्हें छोड़ा गया है। अपराध की गंभीरता को झुठलाने का आपराधिक प्रयास है, जबकि घटना जघन्यतम की स्टडी में आती है। राज्य सरकार का दूसरा तर्क है इन्हें इनके अच्छे व्यवहार के आधार पर छोड़ा गया है, न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जेल से बाहर आते ही उस जघन्य हत्याकांड में शामिल हिंदुत्ववादी संगठनों ने इन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, जिससे स्पष्ट होता है कि दोषियों को अपने अपराध पर कोई ग्लानि नहीं है और ये आगे भी ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं। इन जघन्य अपराधियों का छोड़ा जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसकी हर स्थिति में रक्षा करना न्यायतंत्र और राज्य की जिम्मेदारी है। दोषियों की रिहाई संविधान की भावना का भी उल्लंघन है, क्योंकि संविधान सिर्फ शब्दों से संचालित नहीं हो सकता, उसे कार्यान्वयन में भी अपनी भावार्थ में दिखना चाहिए। विदित है कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से मुंबई हाई कोर्ट में इसलिए स्थानांतरित कर दी क्योंकि पीड़िता को उसके राज्य में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। अतः न्याय के संरक्षक होने के कारण आपसे निवेदन है, इन दोषियों की रिहाई के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को पुनर्बहाल करें और दोषियों की उम्र कैद सजा बरकरार रखी जाए। ज्ञापन देने में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष अमित पांडे, तुफैल अहमद खान, मोहम्मद जावेद इदरीसी, नरेंद्र चंचल कुशवाहा, शबनम आदिल, तौहीद अहमद, उषा रानी कोरी, निसार अहमद, धवल पांडे, सतीश मसीह, राम नरेश कुशवाहा, मोहम्मद लईक, शीलू दुबे, इफ्तकार हुसैन, रामजी श्रीवास्तव उपस्थित रहे। हम दिखाते हैं सच, कराते हैं सच्चाई से रूबरू। लाइव टीवी समाचार जनपद उन्नाव से नफीस खान की खास रिपोर्ट।